नमस्कारम, मैं कुशल देव सिंह, भारतीयम इंटरनेशनल स्कूल रुद्रपुर, योग प्रशिक्षक, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 21 जून 2020 छठे विश्व योग दिवस के इस शुभ अवसर पर और आप सभी को इस दिवस की बहुत बहुत बधाइयां व शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपके जीवन में यह दिवस प्रतिदिन आए और आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही कामना करता हूं। आज के इस सत्र के विषय में हम कुछ बातें जान लेंगे। आज का जो हमारा यौगिक सत्र होगा, आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए प्रोटोकॉल पर आधारित होगा। इससे पूर्व योग की महत्ता पर हम कुछ प्रकाश डालेंगे कि योग हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति की अभिलाषा रहती है कि वह स्वस्थ रहे, सुखी रहे, वह रोगों से मुक्त रहे, रोग ना आए, वह उसका मन भय मुक्त हो, चिंता मुक्त हो, दुख मुक्त हो, परिवार में सौहार्द का वातावरण हो, वह एक अच्छा नागरिक बने, दीर्घायु को प्राप्त हो, वह अच्छे समाज का निर्माण करें। यह सभी संभव है योग साधना से। जी हाँ, योग साधना से। वैदिक काल से भी पूर्व पुरानी, हजारों साल पुरानी यह परंपरा, हमारी सांस्कृतिक धरोहर आज भी इतनी निरापद है, इतनी लाभकारी है कि ज्यों की त्यों खड़ी है और समूचे विश्व को आज यह लाभान्वित कर रही है। इसलिए हमें यह संकल्प करना चाहिए कि हमें नित्य प्रति अपनी इस सांस्कृतिक धरोहर और विरासत को जीवित रखना चाहिए और इसका प्रसार करना चाहिए। किस प्रकार योग साधना के माध्यम से हम इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्राप्त कर सकते हैं? आसनों और प्राणायामों के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। वो आयुर्वेद, षटकर्म, प्राणायाम, आसनों के माध्यम से रोग मुक्त रह सकते हैं। वह अष्टांग योग, यम नियमों का पालन, प्रत्याहार का पालन करने से हम मन से चिंता मुक्त, भय मुक्त, दुख मुक्त हो सकते हैं। और साथ ही जब यह सभी बिंदु हम प्राप्त कर लेंगे तो स्वतः ही हम एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे, परिवार में सामंजस्य प्राप्त कर सकेंगे और एक अच्छे परिवार और एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, वो एक अच्छे देश का निर्माण करेंगे और एक अच्छे विश्व का निर्माण करेंगे। यही कामना करते हुए, यही आज योग दिवस के इस शुभ अवसर पर यही मनोभाव रखते हुए हम संकल्प करते हैं कि रोज योग करना है और निरोग रहना है। जय हिंद, वंदे मातरम। सत्र को आगे बढ़ाते हुए सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, दोनों हाथ सामने, बैठने की स्थिति इस प्रकार। पैर सामने खोल लें, किसी भी ध्यानात्मक आसन की स्थिति में बैठें। साधारणतः पैरों को मोड़ लें इस प्रकार। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, आपका अंगूठा और पहली उंगली एक दूसरे के सिरे से मिली हुई, नाखून आपस में मिले हुए, तीनों उंगलियां फैली हुई, कलाइयां घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी, सामान्य श्वास प्रश्वास, कंधों को ढीला छोड़ लें। सत्र का प्रारंभ करने से पूर्व कुछ विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखें। अभ्यासों का जो कार्यक्रम होगा उससे पूर्व आप सभी को खाली पेट रहना है, शरीर पर कोई भी टाइट वस्त्र नहीं पहनने हैं और आसनों के अभ्यास सरलतापूर्वक, सावधानीपूर्वक व श्वासों की जागृति के साथ करने हैं।
शरीर को अत्यधिक तनाव ना दें, अत्यधिक खिंचाव ना दें, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही अभ्यासों को करना है। वो अभ्यास खत्म होने के पश्चात आपको आधे घंटे तक भोजन व स्नान नहीं करना है, आधे घंटे के पश्चात ही आप भोजन व स्नान कर सकते हैं। सत्र का प्रारंभ हम प्रार्थना ऋग्वेद की वैदिक मंत्र की उच्चारण से करेंगे। मंत्र हमारे मन में एक सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करते हैं जो हमारे लिए योग अभ्यास करने में सहायक होते हैं। जिस प्रकार शरीर को चलने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को प्रार्थना की आवश्यकता होती है और हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। हम सकारात्मक बनते हैं, इसलिए प्रार्थना से यौगिक सत्र का प्रारंभ किया जाता है। चलिए दोनों हथेलियां आपस में मिला लें, आंखें सहजता से बंद करें, दो बार ओम का उच्चारण व ऋग्वेद के वैदिक मंत्र का उच्चारण। सङ्गच्छत्वं संवदत्वं संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। भावार्थम सभी हम सभी प्रेम पूर्वक मिलकर रहें, हम सभी साथ बोलें, सभी ज्ञानी बने, पूर्वजों की भांति अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करें, यही मनोभाव रखते हुए दोनों हथेलियों को आपस में तेजी से रब करें। हाथों में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा को आपके चेहरे पर स्पर्श करें, चेहरे की मसल्स पर। हथेलियों के मुख के सम्मुख खोले और मधुर मुस्कान के साथ आंखें खोलें। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दोनों पैर सामने खोल लें वज्रासन की स्थिति में। प्रथम यौगिक अभ्यास सूक्ष्म अभ्यासों का होगा। ग्रीवा संचालन के अभ्यास, पैरों के मध्य 4 इंच का फासला, दोनों हाथ कमर पर इस प्रकार। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाना है और चिन्ह को आपके चेस्ट पर लगाना है। श्वास भरते हुए धीरे से गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकाना, पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहीं से ग्रीवा संचालन का अगला अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाहीं ओर झुकाएं। अत्यधिक खिंचाव व तनाव ना दें, जितनी क्षमता है केवल उतना ही। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ,
श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए बाहीं तरफ, श्वास भरते हुए मध्य, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास भरते हुए मध्य। यहीं से गर्दन को बाहीं ओर घुमाना है और बाहें कंधे से पीछे देखने का अभ्यास करना है श्वास छोड़ते हुए। श्वास भरते हुए मध्यमाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ घुमाएं, दाहें कंधे से पीछे देखने का प्रयत्न करें। श्वास भरते हुए मध्य, पुनः श्वास छोड़ते हुए बाहें कंधे से, श्वास भरते हुए मध्यमाएं, पुनः श्वास छोड़ते हुए दाहें कंधे से पीछे देखें और श्वास भरते हुए मध्य। धीरे से हाथ खोलो। अगला अभ्यास स्कंद संचालन। पैरों में हाफ फीट का गैप कर लें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, कंधों के समानांतर हथेलियां आसमान की ओर फैलाएं और दोनों हाथ ऊपर, भुजाएं कानों पर स्पर्श, दोनों हथेलियां एक दूसरे के सन्मुख। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे लाएं, कंधों के समांतर रोकें, हथेलियां जमीन की ओर और हाथ धीरे से नीचे। पुनः श्वास भरते हुए इस अभ्यास को दोहराएं। हथेलियां आसमान की ओर, पुनः छोड़ते। यहीं से अगला अभ्यास स्कंद संचालन का अभ्यास होगा। दोनों हाथ सामने, आपके दोनों हाथों की उंगलियों का संपुट बनाएं, इस प्रकार हथेलियां ऊपर की ओर घुमाएं और कंधों पर रखें। कंधों पर स्थित करने के बाद अपने स्थान से ना हिलाएं, कोहनियों को आपस में मिलाएं और एक चक्र घुमाएं, पूर्ण चक्र घुमाएं। हाथों की स्थिति कंधों पर स्थिर रहे, कानों पर स्पर्श करें भुजाओं को, कोहनियों को आगे से मिलाते हुए चक्र बनाना है। तीन चक्र आगे की ओर, तीन चक्र पीछे की ओर, धीरे से सहजता से करें। दोनों हाथ रिलीज। अगला अभ्यास कटी चक्रासन। पैरों की स्थिति वही रहेगी, आधे फीट का गैप करें, दोनों हाथ समान आपके सामने कंधों के लगे हुए, दोनों हथेलियां एक दूसरे के सन्मुख। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बाहीं तरफ मुड़े कमर से और आपका दायां हाथ आपकी बाहीं कोहनी के पास, इस प्रकार पीछे की ओर देखें, बाएं कंधे से जितनी शारीरिक क्षमता है। श्वास भरते हुए वापस इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास भरते हुए मध्य में, एक चक्र और करेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाहीं तरफ, श्वास भरते हुए मध्य, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास भरते हुए मध्य। धीरे से हाथों को विश्राम। यहीं से अगला अभ्यास घुटनों का संचालन। पैरों की स्थिति वही रहेगी, आधे फीट का गैप और दोनों हाथ सामने, इस प्रकार हथेलियां जमीन की ओर। श्वास भरें, श्वास भरते हुए घुटनों को मोड़ें और एक चेयर के भांति बैठना है आपको।
5 सेकेंड तक रोके। धीरे से अगला अभ्यास आपके पैरों का संचालन। दोनों हाथ पुनः कमर पर रखें इस प्रकार, दायां पैर आगे, घुटना सीधा और एक चक्र घुमाएं। घड़ी की दिशा में 3 चक्र घुमाएं और घड़ी की ही दिशा में विपरीत चक्र घुमाएं। विश्राम, यही अभ्यास दूसरे पैर से। विपरीत दिशा में विश्राम, रिलीज करें स्थिति को। अगले अभ्यास खड़े होके आसनों के अभ्यास। पहला अभ्यास ताड़ासन। पैरों को आपस में मिला लें, समस्थिति ही सामान्य श्वास प्रश्वास। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के समानांतर लाएं, दोनों हथेलियां आसमान की ओर, आपके सर से ऊपर ले जाएं, आपकी भुजाएं कानों पर स्पर्श हो, दोनों हाथों की उंगलियों का आपस में इस प्रकार इंटरलॉक करें और श्वास पुनः भरें, पूरा स्ट्रेच करें ऊपर की ओर, एड़ियों को जमीन से उठाएं, पंजों को जमीन पर लगाएं, पूरा खींचें। श्वास छोड़ते हुए वापस सर के मध्य पुनः श्वास भरें, खींचें, श्वास छोड़ते हुए धीरे से आसन को रिलीज करें। स्पाइन के रक्त नलिकाओं को यह शुद्ध करता है, वह रक्त के प्रसार को बढ़ाता है, वह कमर संबंधी और एक निश्चित आयु तक यह आपकी लंबाई को बढ़ाने वाला अभ्यास है। चलिए प्रारंभ करते हैं अगला अभ्यास, वृक्षासन का अभ्यास। दाएं पैर की एड़ी को पकड़ें इस प्रकार और इसको आपके बाएं पैर के जंघा मूल पर लगाएं। सर्वप्रथम इस स्थिति में रोकें और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सामने किसी एक बिंदु पर देखें, ध्यान केंद्रित करें, दोनों हाथ ऊपर, हथेलियों को आपस में मिलाएं। आपके समक्ष कोई भी बिंदु पर देखें, ध्यान केंद्रित करें। श्वास छोड़, पैर को खोलें। यही अभ्यास दूसरे पैर से दोहराएं। बाएं पैर को मोड़ लें और दाहें पैर के जंघा मूल पर लगाएं। सेकेंड तक रोके और रिलीज कर। एकाग्रता को बढ़ाने वाला अभ्यास, बच्चों के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास। प्रारंभ करते हैं अगला अभ्यास, पाद हस्तासन। पैर मिले हुए, शरीर की स्थिति समस्थिति ही, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं,
हथेलियां सामने की ओर, पुनः श्वास भरे, लंबी गहरी श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकें। सर्वप्रथम आपको यह अभ्यास आपके पैरों के एंकल्स को पकड़ना है, इस प्रकार कमर को सीधे करने का अभ्यास करना है। प्रथम स्थिति, यहीं से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे प्रयत्न करें, शारीरिक क्षमता के अनुसार आपका नाक आपके घुटने पर स्पर्श करें। श्वास भरते हुए वापस हाथ। यहीं से अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन का अभ्यास। दोनों हाथ कमर पर इस प्रकार, श्वास भरते हुए आपको आपकी कमर को आगे की ओर इस तरीके से बढ़ाना है और गर्दन को पीछे की ओर झुकाते हुए पीछे की ओर देखना है। श्वास भरें, गर्दन को झुकाएं, रोकें। पुनः अभ्यास को दोहराएं, श्वास भरें, यहीं से अगले अभ्यास बैठ कर हूं। अपने स्थान पर बैठ जाएं। वज्रासन की स्थिति में हर अभ्यास स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। योग का प्रथम नियम अथ योगा अनुशासन, अनुशासन से प्रत्येक अभ्यास करना है आपको। पहला अभ्यास बैठकर भद्रासन का, दोनों पैरों की एड़ियों को मिला लें, दोनों पंजों को मिला लें इस प्रकार और दोनों एड़ियों को मूल भास प्रदेश पर लगाने का अभ्यास करें इस प्रकार और पैरों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों से इस प्रकार इंटरलॉक कर लें। श्वास भरते हुए आपके चेस्ट को आगे की ओर, भद्रासन का अभ्यास, छोड़ें, रिलीज करें। यहीं से अगला अभ्यास वज्रासन का होगा। पैरों को सामने खोल लें, वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। सर्वप्रथम आपका दायां पैर मोड़ें, फिर आपका बायां पैर मोड़ें इस प्रकार। आपकी स्थिति, पंजे मिले हुए और एड़ियां बाहर की ओर और आपके जो नितंब है वे आपकी एड़ियों के अंदरूनी भाग पर रेस्ट करें इस प्रकार। कमर गर्दन सीधी, समान श्वास प्रश्वास, पाचन तंत्र को मजबूत करने वाला अभ्यास, भोजन के पश्चात करने वाला एकमात्र अभ्यास वज्रासन। आसन को खोल लें। यहीं से अगला अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन का,
पुनः वज्रासन की स्थिति में आएंगे। इस प्रकार अर्धनुष्ट्रासन, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। इस प्रकार कमर पर हाथ रखें, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं, कमर को आगे की ओर बढ़ाएं। रोक के रखें, पांच सेकंड। श्वास छोड़ते हुए वापस वज्रासन की स्थिति। अगला अभ्यास पूर्ण उष्ट्रासन का होगा। पुनः खड़े हों, श्वास भरते हुए दायां हाथ पीछे की ओर ले जाएं, एड़ी को पकड़ें। उसी समय आपका बायां हाथ भी श्वास भरते हुए पीछे एड़ी को स्पर्श करें, गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं और विश्राम करें इसी स्थिति में पांच सेकेंड। जिस स्थिति से गए थे उसी ही स्थिति से वापस आए। अगला अभ्यास वक्रासन का होगा। दोनों पैर सामने खोलो, दाहे पैर के एंकल को पकड़ें और आपके बाहें घुटने के समीप रखें। इस प्रकार वक्रासन का अभ्यास और आपका दाया हाथ कमर के पीछे, बाया हाथ सीधा ऊपर ले जाएं और इस प्रकार आपके दाहे पैर को लपेट लें और दाहे कंधे से पीछे की ओर देखने का प्रयत्न करें। आपके दोनों कंधे और आपका घुटना एक ही सीध में होना चाहिए, प्रयत्न करें। श्वास छोड़ते हुए और गर्दन को पीछे की ओर देखें। श्वास भरते हुए वापस। इसी अभ्यास को पैर बदल कर करें। बाएं पैर को मोड़ लें, दाएं घुटने के पास रखें, आपका बायां हाथ पीछे की ओर और दाहें हाथ से बाहें पैर को लपेट लें इस प्रकार और बाहें कंधे से पीछे की ओर देखें, श्वास छोड़ते हुए। रोक कर रखें, श्वास भरते हुए वापस। अगला अभ्यास शशांकासन, वज्रासन की स्थिति में आए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ सर के ऊपर ले जाएं, हथेलियां सामने की ओर, आपके घुटनों के मध्य थोड़ा सा फासला करें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें धीरे धीरे इस प्रकार। अब इसी ही स्थिति में आपको आपके घुटनों के मध्य और स्थान छोड़ना है धीरे धीरे। हाथों को आगे की ओर खींचे,
श्वास भरते हुए वापस। यहीं से अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन का होगा। वज्रासन की स्थिति, पैरों के मध्य फासला करें, घुटनों को फैला लें जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है, पंजे आपस में मिले हुए, एड़ियां बाहर की ओर और आपका नितंब जमीन पर स्पर्श करें, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और आपके दाएं हाथ से बाएं कंधे को पीछे से स्पर्श करें और बाएं हाथ से दाएं कंधे को स्पर्श करें। उत्तान मंडूकासन किस प्रकार करना है एक बार देख लें। इस अभ्यास में 5 सेकेंड तक रोक कर रखें। धीरे से हाथों को खोलें, वापस वज्रासन की स्थिति में आए। यहीं से अगले अभ्यास पेट के बल लेट कर होंगे। सभी अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथ ऊपर की ओर आगे की ओर झुकते हुए, प्रथम अभ्यास पेट के बल लेटकर मकरासन का होगा। दोनों पैरों के बीच 1.5 से 2 फीट का फासला, पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर इस प्रकार, और दोनों हाथ आपके चिन के नीचे, बाया हाथ नीचे, दाया हाथ ऊपर, और आपका जो आपकी जो चिन्ह है वे आपके दोनों हाथों के मध्य इस प्रकार। इसी अभ्यास को आपको रोक कर रखना है, विश्राम करना है इस अभ्यास पर। अब यहीं से दिशा बदल कर बाईं ओर गर्दन को घुमाते हुए बाहीं तरफ से आपके गाल को आपके हाथों के ऊपर रखें, दिशा बदलकर समान स्थिति में यहीं से अगला अभ्यास होगा भुजंगासन का। भुजंगासन या सर्पासन का अभ्यास, दोनों पैरों को मिलाने आपस में, पंजे बाहर की ओर तने हुए, दोनों हथेलियां आपके चेस्ट के बगल इस प्रकार। सर्वप्रथम इस अभ्यास को हम आधी स्थिति से करेंगे, दोनों फोरआर्म्स आपकी दोनों कोहनियां जमीन पर इस प्रकार लगेंगी, माथे को जमीन पर लगाएं और सांस भरते हुए नाभि प्रदेश से ऊपर का हिस्सा उठाएं, गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं, अर्ध स्थिति भुजंगासन।
श्वास छोड़ते हुए वाप पुनः इस अभ्यास को दोहराए। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहीं से हल्का सा कोहनियों को ऊपर उठाएं, नाभि से ऊपर के हिस्से को उठाएं, गर्दन को पीछे की ओर, कंधों को पीछे की ओर घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत ही उत्तम अभ्यास। गर्दन का दर्द, कमर के दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, पीठ का दर्द के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास। हाथों को रिलीज करें। यहीं से अगला अभ्यास शलभासन का। दोनों हथेलियों को जंघों के अंदर इस प्रकार। सर्वप्रथम दाहिने पैर से करेंगे। श्वास भरते हुए दाएं पैर को सीधा और पंजे तने हुए जितनी शारीरिक क्षमता है उतना ऊपर उठाएं और आपका बायां पैर जमीन पर स्पर्श। दाएं पैर का घुटना मुड़ेना, बाएं पैर का घुटना भी मुड़ेना। रोक कर रखें 5 सेकेंड। श्वास छोड़ते हुए वापस। पैर बदलकर अभ्यास। श्वास भरते हुए बाएं पैर को ऊपर ले। छोड़ते हुए धीरे से वापस ला। इसी अभ्यास को अब दोनों पैरों के साथ करने का प्रयत्न करें। शारीरिक क्षमता के अनुसार ही इस अभ्यास को करें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, वापस। यहीं से पीठ के बल लेटकर अभ्यास करेंगे। बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाए। बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ आपके चेस्ट के बगल पर। दाएं पैर को मोड़े इस प्रकार, बाएं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाए। शवासन की स्थिति, हथेलियां आसमान की ओर, पैर व पंजे ढीले, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, पीठ के बल लेटकर पहला अभ्यास उत्तान पादासन। पैरों को आपस में मिला लो, हथेलियां जमीन पर। श्वास भरते हुए सर्वप्रथम दाएं पैर को 30 डिग्री पर उठाना है, रोक कर रखना है। पंजे तने हुए, घुटने सीधे, रोक कर रखें 10 सेकेंड। श्वास छोड़ते हुए विश्राम। इसी अभ्यास को पैर बदलकर बाएं पैर, श्वास भरें, रोकें 10 सेकेंड।
श्वास छोड़े धीरे से धीरे। दोनों पैरों से इस अभ्यास को करना है, दोनों पैरों को आपस में मिलाएं और उठाएं 30 डिग्री अंदर, रोक कर रखें 10 सेकेंड के लिए, श्वास भरे। श्वास छोड़े धीरे से धीरे। यहीं से अगला अभ्यास अर्ध हलासन का, हथेलियां जमीन पर लगी हुई, अर्ध हलासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए सर्वप्रथम दोनों पैरों को 30 डिग्री एंगल पर उठाएंगे, देन 45, 60 एंड 90। इसी स्थिति में रोकेंगे, पैर सीधे, पंजे तने हुए, घुटने सीधे, रोक कर रखें अर्ध हलासन 10 सेकेंड। धीरे से पैरों को वापस लाए, 60, 45, 30 एंड रिलीज। धीरे से पैरों को पटके ना जमीन पर, धीरे से सहजता से, सामान्य श्वास प्रश्वास। यहीं से अगला अभ्यास सेतु बंध आसन, दोनों पैरों को मोड़ लें और आपके दोनों एड़ियां आपके नितंबों के समीप, आपके दोनों हाथों से आपके दोनों पैरों की एड़ियों को इस प्रकार पकड़ लें और श्वास भरें। आपका धड़ वाला हिस्सा, कमर वाला हिस्सा श्वास भरते हुए एक साथ ऊपर उठाएं, श्वास भरें ऊपर उठाएं, 10 सेकेंड तक रोके इस स्थिति में। धीरे से यहीं से इस सत्र का अगला अभ्यास शवासन का, शरीर को शीतलता प्रदान करने वाला, हमारे शरीर में जो भी यौगिक अभ्यासों से खिंचाव, तनाव, दर्द की अनुभूति है उनको रिलीज करने वाला अभ्यास शवासन का अभ्यास। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का फासला, आपकी एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर झुके हुए इस प्रकार, और आपके दोनों हाथ आपके कमर से, आपकी चेस्ट रीजन से 1.5 फीट की दूरी पर, हथेलियां आसमान की ओर, उंगलियों को ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला। अनुभव करें कि आपका शरीर जमीन पर लगा हुआ है और लंबी गहरी श्वास भरें वो छोड़ें।
मेरे निर्देशनों को सजगता पूर्वक ध्यान पूर्वक सुने, निद्रा ना लें, उंगलियों को ढीला छोड़े, एकदम पूरे शरीर को ढीला छोड़े, श्वास भरे व छोड़े, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास। श्वास के द्वारा ली गई ऊर्जा को धीरे से अनुभव करें अपने अंतर मन में, अंतर्मुखी होकर अनुभव करें कि आपकी श्वास द्वारा ली गई ऑक्सीजन से जो ऊर्जा है वो आपके पैरों के उंगलियों पर, दोनों पैरों की उंगलियों पर, आपके एंकल पर, पूरी एड़ी सांस स्थिर, आपकी सिन बोन, काफ मसल सांस स्थिर, आपका घुटना स्थिर सांस, आपकी जंघा, आपका मूल प्रदेश पूरा शांत स्थिर, कमर का हिस्सा शांत स्थिर, आपके कमर से पूरा नीचे का हिस्सा शांत व स्थिर, आपका उदर प्रदेश, आपका चेस्ट रीजन पूरा शांत व स्थिर, आपके कंधे स्थिर, भुजाएं शांत स्थिर, आपकी फोरआर्म, आपकी कलाइयां, आपकी उंगलियां शांत स्थिर, आपके गर्दन से नीचे का संपूर्ण शरीर शांत व स्थिर। पूरा ध्यान अब आपकी त्रिवाह पर ले जाएं, शांत स्थिर, आपके अपर जाओ, लोअर जाओ, शांत स्थिर, आपके चेहरे की मसल्स, आपकी नोज, आपके ईयर, आपके आईज, आपका संपूर्ण चेहरा शांत व स्थिर, आपका फ्रंट ऑफ दी हेड शांत व स्थिर, आपका मध्यम मस्तिष्क शांत व स्थिर, आपका पूरा शरीर शांत व स्थिर। पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वास जमीन के माध्यम से प्रकृति को समावित हो चुकी है, आप शरीर मात्र ही नहीं, आप इस प्रकृति, इस जमीन में समाहित अनुभव करें। पूरा ध्यान श्वासों पर, सचेत हों, सजग हों मेरे निर्देशनों के लिए, पंजों की उंगलियों को हिलाएं, एड़ियों को हिलाएं, हाथ की उंगलियों को हिलाएं, इनमें सेंसेशन महसूस करें। अब दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाएं और दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, श्वास भरें और लेटे लेटे ही ताड़ासन का अभ्यास करें, पूरा खींचे शरीर को, श्वास छोड़ते हुए। बाईं करवट लेते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएं। ध्यानात्मक आसन की स्थिति में अगला अभ्यास प्राणायामों का होगा। बैठे की स्थिति दुरुस्त करें, ध्यानात्मक आसन की स्थिति में बैठेंगे। सर्वप्रथम जो सक्षम नहीं है वे सरल आसन में बैठेंगे, हम पद्मासन का अभ्यास करेंगे। पैरों को खोल लें, बाएं पैर की एड़ी को पकड़ें,
और दाएं पैर के जंघा मूल के ऊपर रखें। इस प्रकार दाएं पैर की एड़ी को पकड़े, बाएं पैर की जंघा मूल के ऊपर रखें। पद्मासन का अभ्यास, जो इस अभ्यास को करने में असक्षम है वे सरल आसन में बैठकर ही प्राणायामों का अभ्यास करें। कमर गर्दन सीधी। सर्वप्रथम अभ्यास कपालभाति प्राणायाम का होगा। कमर गर्दन सीधी कर लें। कपालभाति षटकर्म शोधन की प्रक्रिया है। प्राणायामों के साथ करने के साथ इसे प्राणायामों की भी उपाधि प्राप्त। चलिए कपालभाति प्राणायाम। स्ट्रोक्स के माध्यम से श्वास को निरंतर रेचक क्रिया करते हुए धक्का देके श्वास को बाहर की ओर निकालना है। जब आप स्ट्रोक्स के माध्यम से धक्का देकर श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हैं, आपका स्टमक अंदर की ओर जाता है। जब वह पुनः प्रारंभिक स्थिति में आता है तो स्वतः ही आपका एक पैसिव इन्हेलेशन होता है, और उसी पैसिव इन्हेलेशन को आपने अगले स्ट्रोक्स के रूप में उपयोग में लाना है। आप इस अभ्यास को 20 एंड 30 के स्ट्रोक्स में कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं प्रथम 20 स्ट्रोक्स के। लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। अगला 30 स्ट्रोक्स के। श्वास भरे व छोड़े, सामान्य श्वास। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का या नाड़ी शोधन का अभ्यास। नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास की प्रक्रिया अनुलोम विलोम प्राणायाम की ही तरह है, परंतु इसमें हमें समय का पालन करना होगा। दाएं हाथ की प्रणव मुद्रा बना लें, पहली उंगली दूसरी उंगली मोड़ लें। इस प्रकार नासिका छिद्रों के पास ले जाएं, अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें। आपने श्वास भरना है बाहिनी नासिका से। इसका जो अनुपात होगा 1:2:1 होगा। अगर जब आप श्वास भरने में 3 सेकेंड का टाइम लेते हैं तो आपको 6 सेकेंड श्वास को रोकना है और 3 सेकेंड श्वास छोड़ने में लगाना है। पुनः श्वास भरने में 3 सेकेंड लगाना है और 6 सेकेंड रोकना है और 3 सेकेंड में श्वास को छोड़ना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। समय और श्वासों का तालकर्म्य बनाकर इस अभ्यास को करें। बाहिनी नासिका से श्वास भरें, रोकें। दाहिनी नासिका से छोड़ें, श्वास भरें, पुनः दाहिनी नासिका से रोकें, छोड़ें। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इसी प्रकार आपको इसके 3 चक्र करने।
रिलीज। सामान्य श्वास प्रश्वास। अगला अभ्यास ध्यान का होगा। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, सामान्य श्वास प्रश्वास। मेरे शब्दों को ध्यान पूर्वक सुने और उनके प्रति सजग रहें। आंखें बंद करें, सहजता से धीरे धीरे श्वास भरें। पूरा ध्यान श्वासों पर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। मन शांत व स्थिर। प्रयत्न करें श्वासों की ध्वनि उत्पन्न ना हो। श्वास इतना मधुर होना चाहिए कि श्वासों की ध्वनि उत्पन्न ना हो। अब आंखों से आपके नेत्रों के बीच केंद्र बिंदु पर देखें, जहां पर तिलक धारण करते हैं हम। अंदर ही अंदर देखें। प्रयत्न करें पूर्व के नकारात्मक विचार को त्यागने का। आंखों के मध्य देखें, भौहों के मध्य देखें, साथ ही श्वासों का भी तालक्रम बनाकर रखें। पूर्व विचारों को त्याग दें। सजग हो, श्वासों का प्रवाह सामान्य करते हुए दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं और तेजी से रब करें। हाथों में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा को आपके आंखों पर स्पर्श करें, चेहरे पर, माथे पर। धीरे से आंखों को हथेलियों पर। यहीं से हमारे सत्र का समापन की ओर अग्रसर होते हुए अगला हम नित्य प्रतिदिन इन अभ्यासों को अपने जीवन में सम्मिलित करें, दिनचर्या में सम्मिलित करें और संकल्प करें मेरे साथ आज इस योग दिवस के अवसर पर। संकल्प करें कमर गर्दन सीधी करें, दोनों हाथ आपस में मिलाएं, आंखें सहजता से बंद करें और संकल्प करें। मैं संकल्प करता हूं कि सर्वदा अपनी सोच मैं संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मनः स्थिति मेरे उच्चतम आत्मा विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति व्यवस्था और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूं। यही मनोभाव रखें, आंखें बंद ही रखें, यह संकल्प मन में धारण करें। विश्व शांति, देश शांति, ध्येय शांति के लिए अगला चरण शांति पाठ का होगा। आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधी, सामान्य श्वास प्रश्वास। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः
शांति ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी हो, सभी स्वस्थ हो, यही कामना करते हुए दोनों हथेलियों को पुनः रब करें, चेहरे पर स्पर्श करें, प्रत्येक तनावपूर्ण अंग पर स्पर्श करें, आंखों को सहजता से हथेलियों पर खोले मधुर मुस्कान के साथ। नमस्कारम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।